पानीपत में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को निर्वस्त्र कर छत से नीचे फेंक दिया। पानीपत में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने घर के छत से नीचे फेंक दिया। इस दौरान महिला को चोटें भी आई हैं। महिला को उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास ससुर व पति की बुआ के खिलाफ दहेज व मारपीट का केस दर्ज कर पति को अरेस्ट कर लिया है। पहले पुलिस ने मारपिटाई का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब दोबारा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अन्य धारा जोड़कर जांच शुरू की है। आपको बता दें कि पानीपत के सेक्टर 11-12 की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में महिला ने आरोप लगाया कि पति जुआ सट्टा खेलने का आदी है, रुपए की डिमांड करता है, डिमांड पूरी नहीं करने पर दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता है। बुधवार को घर आए दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। इनकार करने पर पति व ससुराल वालों ने मारपीट की, रस्सी से गला घोटने की कोशिश की और देर रात करीब 12:15 बजे निवस्त्र कर छत से नीचे फेंक दिया। नीचे फेंकने से पहले महिला ने फोन कर पानीपत में रह रही बुआ व चचेरी बहन को बता दिया था। दोनों पहुंची तो फिर उसको सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली निवासी महिला ने बताया कि करीब 2 साल पहले उसने न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के युवक से लव मैरिज की थी। शादी के बाद उन्हें एक लड़का हुआ। आरोप है कि पति सट्टा खेलने और शराब पीने का आदी है। सट्टे में रुपए हारने के बाद वह मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने लगा। कई बार युवती ने परिजनों से रुपए लेकर आई और उसे दिए। अब हर रोज पति रुपए लाने का दबाव बनाता है और ना लाने पर मारपीट करता है। आरोप है कि अब पति कहता है कि या तो मायके से रुपए लाकर दो या दोस्तों के साथ संबंध बनाओ। बुधवार शाम को पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, कैंची और डंडों से बुरी तरह से पीटा और छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में परिजनों द्वारा उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सर, मेरे साथ मेरा पति गलत करता है और करवाता है। लवली, क्या नाम है, कशिश बठला, उनके चाचा भी कल आए घर मेरे साथ। पहले मेरे ससुर, मेरे सास, मेरे ससुर ने मारपीट करी है। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। उसके बाद ये कशिश बठला मुझे सीढ़ियों से घसीटते हुए लाए हैं। पूरी गली में इन्होंने, सबने देखा, मेरे को धक्का दे दिया। मैं नंगी पड़ी थी रोड पे, इन्होंने मेरे को नंगा घसीटते हुए नीचे फेंक दिया। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये कहते हैं कशिश बठला के मेरे संबंध में जानता हूँ, रोहिता रेवड़ी मेरे साथ घर की है, तुझे बच्चलन साबित कर देंगे, तेरे मुंह पे तेजाब फिकवा देंगे, तेरे घर वालों को मरवा देंगे। मेरे को इतना डराया हुआ है, सर में बर्दाश्त करती रही। मेरे बच्चे को अभी कल परसों इतना मार दिया, उसका होठ फटा हुआ है मेरे लड़के का। पहले मैं गई हूँ थाने, मेरे को यही कशिश बठला आया था और इसने सारा मामला रफा दफा करवा दिया। मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरा पति दिल्ली आया था, वहाँ भी मेरे परिवार को मार पीट के गया। मेरे को कहता है तू गलत काम कर, इनकी कॉलोनी है 25 सेक्टर, वहाँ पे इसने कमरा लिया हुआ है, वहाँ ज़बरदस्ती ले जाता है। मेरे को कहता है तू कर, मारता पीटता है। मैं कितना बर्दाश्त करूंगी, मैं अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रही थी। इसके मामा मामी आए थे मुझे घर से जबरदस्ती लेके आए कि अब तेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। परसों इनके मामा आए मेरे साथ मारपीट करी, फिर भी मैं बर्दाश्त कर गई, कुछ नहीं बोला। अब मेरे को फिर मारा पीटा, मेरे को छत से गिरा दिया। पुलिस आई है, किसी ने कोई 2 साल हो गए हैं सर लड़की की शादी को। 2 साल में इन्होंने कम से कम 70 बारी से ऊपर मारा पीटा होगा। और दहेज मांगते हैं, कहते हैं हमारी माँ 1 लाख रुपये हर महीने लाती है, तू भी 1 लाख रुपये ला। नहीं लाती तो अपने दोस्तों को लाता है, सट्टा खेलता है, वो इसके साथ गलत धंधा करते हैं। अगर कल भी इसने मना करा तो इसको मारा खूब, गला घोटा। पेट में बच्चा जो हुआ इसका ऑपरेशन से हुआ है, यहाँ कैंची मार के इसका पेट फाड़ रहा था। इसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी तो दोनों बाजुओं पर कैंची के निशान हैं और ऊपर से फिर मार पीट के छत से धक्का दे दिया। क्या कहता है? इसको कहता है पैसा नहीं ला सकती तो मेरे दोस्त आते हैं, वो मेरी पैसों की हेल्प करेंगे सट्टा खेलने के लिए, उनके साथ सेक्स कर। पहले ये कहती है कि मेरे साथ कई बार इसके दोस्त आए हैं, ज़बरदस्ती करवाई है, और मेरे ससुर ने भी 4-5 बारी ज़बरदस्ती करी है। अब मैं मना करती हूँ तो मेरे साथ ये व्यवहार कर दिया, भाई मेरे हालत नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये गलत काम, तो ऊपर से धक्का दे दिया मार पीट के। बाकी आपने सर हालत देख लिया कैसे इसका गला हो रहा है।
सर इससे जो है ना हमेशा जो है ना पैसे मंगवाए जाते हैं और जो हमेशा कहते हैं कि इतने पैसे लेकर नहीं लाती तो हम तुम्हारे को जो है ना आगे जो हम कहेंगे और करना पड़ेगा काम। सर ये ऐसी तो लड़की अच्छी फैमिली से लड़की है, कोई धंधे वाली तो है नहीं, तो कल इसने ज़बरदस्ती का वारदात जब इसके साथ अपनी जान को बचाने के लिए भागी है तो लोगों ने कहा चलो इसको ख़त्म ही कर दे, तो शोर मचा रही, चिल्ला रही, आवाज़ें कर रही, तो उन्होंने उठा के धक्का दिया जी, दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई है जी। इससे गलत काम कर रहे हैं, पैसे के लिए टॉर्चर करते हैं, वो तो खुद तो काम करता नहीं है, वो तो अपना सट्टेबाजी में लगा देता है अपनी माँ से मांग मांग के। लड़की से कहते हैं, लड़की कहाँ से ला के देगी सर, हम मिडिल फैमिली के हैं, कहाँ से इतना इसके पास पैसा देंगे, आपको पता ही है कितनी मुश्किल मजबूरी होती है, कहाँ से ला के देगी, आप खुद ही देखिए। वो क्या कहने को, उसे अपनी माँ के कहने में चलता है, माँ उसको पैसे देती है और अपना सट्टा, लड़की से कहता है गलत काम करने के लिए, कहता कहीं से नहीं, घर से नहीं ला सकते, कहीं और से ला के दो, वो दोस्तों को लाता है। दिया आपको किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज? ममता ने दो दिन पहले शिकायत दी थी दहेज की और मारपीट की, हमने कल ही उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था और आज उसके घर वाले को अरेस्ट कर लिया है। आज उसने उसके परिवार वालों ने दोबारा से आपत्ति जताई कि हमारी लड़की की दोबारा स्टेटमेंट ली जाए, उसने आज दोबारा से स्टेटमेंट दी कि उसके जो सुसर है उसने उसके साथ रेप किया और ए नेचुरल सेक्स किए, वो धाराएं हमने ऐड कर दिए। तो किस किस पर आरोप लगाए, किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? मुकदमा पहले से ही दर्ज है। किन किन के खिलाफ है जी? सास के खिलाफ, उसके पति के खिलाफ, सुसर के खिलाफ और एक उसकी बुआ के खिलाफ है। सर धाराएं कौन कौन सी लगाई हैं? आज जो धाराएं ऐड करी है 376(2)(n), 377 और 354। कोई और भी नाम ले रही थी सर महिला किसी? वो तो नाम ले रही है उसके भाई, उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि उसके दोस्तों के साथ भी, उसमें आगे जांच कर रहे हैं हम। सर कोई ये गलत काम भी करता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं आया कि गलत काम का ना कोई ठीक काम का। पहले दिन तो जो शिकायत थी पारिवारिक झगड़े की शिकायत हमारे पास आई थी, लिखित में खुद ही इन्होंने दिया था, उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था, आज दोबारा से इन्होंने अपने बयान लिखवाए। ठीक है सर, थैंक यू, सही रहो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।